सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल MDR ब्लॉग को सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं एक स्टेशन में हूँ, रेलवे स्टेशन में। अभी ट्रेन जल्दी ही आने वाली है, तो फिर हम जाएंगे दूसरी लोकेशन पे। तो गाइज आप देख सकते हैं हम है अभी सांभर लेक में। तो आज हम आपसे शेयर करेंगे सांभर लेक की पूरी जानकारी, तो बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल के। तो गाइज ये देखिए पूरी मंडली जो है आज 90 किलोमीटर जाने वाली है सांभर लेक में। ये पूरा पैदल पैदल ऐमन जो है, ऐमन बैग नीचे लगा दी है क्योंकि इसका बैग मैं रखता हूँ दो ठो, और बहुत कीड़े उड़ रहे हैं यहाँ पास। तो चलिए मैं चश्मा लगा लेता हूँ। मेरी अम्मी और खाला लोग जो है ना वो दूर से आ रहे हैं, थोड़ा सा अब पास में ही लगता है पहुँचने वाले हैं सांभर रेलवे स्टेशन। तो आप जब भी आए तो यहाँ से दरगाह शरीफ नज़दीक ही पड़ता है और लेक भी पास में ही पड़ता है। सब लोग आ गए हैं, अल्लाह हो गए हैं सांभर झील के पास, अभी रेलवे स्टेशन के पास है। अब मदी खाला तो एकदम फुल राजस्थानी लग रही है, पूरा बांध लिए मदी खाला। और ये नज़दीक में सांभर झील पड़ने वाली है, ये आ गया। तो गाइस आज की ब्लॉग वीडियो बहुत ही जबरदस्त बेहद ही खास होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल MDAR ब्लॉग पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस फिलहाल सांभर लेक के पास ही रेलवे स्टेशन है और सांभर लेक, तो मैं वहाँ पास हूँ अभी। तो आप इस लेक देखने जा रहे हैं। तो गाइस ये जो झील आप देख रहे हैं ये राजस्थान की सांभर झील है। राजस्थान एक बेहद खूबसूरत राज्य है जो कि अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है। ये राज्य हमेशा सबको पधारो मारे देश के नारे के साथ अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए न्योता देता है। आदर सत्कार और परंपराओं को मानने वाले इस राज्य को देखना दुनिया भर के पर्यटक आते हैं। यूँ तो राजस्थान का नाम सुनते ही अक्सर हमारे मन में एक बियाबान रेगिस्तान जहाँ सिर्फ चिलचिलाती धूप और ऊंट पर बैठे कुछ लोगों की छवि बनती है, लेकिन हकीकत में राजस्थान में और भी बहुत कुछ है जो एक बार आंखों में बसने के बाद कभी ओझल नहीं होता। राजस्थान की खूबसूरती अतुल्य है, इसका कोई मेल नहीं है। हाँ यहाँ रेगिस्तान है, लेकिन यहाँ झीलों का शहर उदयपुर भी है जो अपनी खूबसूरती किसी के द्वारा बताए जाने का मोहताज नहीं है। इसके अलावा यहाँ पिंक सिटी जयपुर भी अपनी सुंदरता बयान करता है। तो वहीं जयपुर के पास ही सांभर नाम की यह खूबसूरत झील है। सांभर झील की कुछ विशेषताएं हैं जो कि सांभर झील समुद्र तल से 1200 फुट की ऊंचाई पर है। भरे रहने पर इसका क्षेत्रफल 90 वर्ग मील में फैला रहता है। सांभर झील में 3 नदियां आकर गिरती है। इस झील की दिलचस्प बात यह है कि इससे बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। विशेषज्ञों का अनुमान है इस नमक का स्रोत अरावली के सिस्ट और नाइस के गर्तों से भरा हुआ गाद है। इस गाद में घुलने वाला सोडियम बारिश के पानी में घुसकर नदियों के रास्ते झील में आता है और नमक के रूप में रह जाता है। गाइस राजस्थान के सांभर झील का बॉलीवुड में एक प्रमुख स्थान है। राजस्थान की सांभर झील पर्यटकों के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों को भी खूब पसंद आ रही है। फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी की सुपरहिट फिल्म पीके के कुछ सीन यहाँ फिल्माए गए थे। कहा जाता है कि फिल्म पीके में आमिर खान का नग्न पोस्टर वाला सीन इसी झील के पास के ही एक रेलवे ट्रैक पर फिल्माया गया था। इसके अलावा राकेश ओम प्रकाश की दिल्ली सिक्स, संजय लीला भंसाली की रामलीला और संजय दत्त पर फिल्माई गई फिल्म शेर जैसी अन्य फिल्में भी इस जगह फिल्माई गई थी। झील के पास की जमीन का एक बड़ा हिस्सा सूखा है। इस हिस्से का फायदा फिल्म निर्माताओं को होता है क्योंकि वो यहाँ अपनी फिल्म की लड़ाई के सीन शूट कर सकते हैं। शाकंभरी माता मंदिर के पास खुले मैदान में जोधा अकबर द्रोड़ा और वीर जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों के लड़ाई वाले सीन शूट किए हैं। इसके अलावा फिल्म रामलीला के भी कुछ सीन देवयानी मंदिर के पास फिल्माए गए थे। फिलहाल गाड़ी जो है स्टार्ट हो चुकी है और अभी हम नागौर शरीफ जा रहे हैं। तो ये देखिए जो सांभर झील है वो आपको सामने से दिखाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो जैसा कि मैं नागौर शरीफ जाने के लिए ट्रेन पर बैठ गया हूँ, तो अब आपको बता देता हूँ सांभर झील जाने का सही समय क्या है और सांभर झील कैसे पहुँचते हैं। तो सांभर झील जाने के लिए अक्टूबर से मार्च तक के महीने
सबसे अच्छी है क्योंकि सांभर राजस्थान में है और राजस्थान एक गर्म वातावरण वाला राज्य है, इसलिए मई जून का समय यह घूमने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसके अलावा जुलाई से सितंबर में भी जाने का कोई लाभ नहीं क्योंकि ये मानसून का मौसम होता है और बरसात में आपको नमक की खेती देखने को नहीं मिलेगी। जो ये खेती आप देख रहे हो नमक की, तो ये आपको बरसात में तो कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी। तो गाइस अक्टूबर से मार्च तक का महीना सबसे बेटर है सांभर झील घूमने के लिए या देखने के लिए। तो देख रहे हैं अभी मैं सांभर झील के आसपास से हमारी गाड़ी वो गुजर रही है, तरह से ऐसा लगता है पहाड़ों के बीच बहुत ही खूबसूरत। और गाइस अब आपको मैं बता देता हूँ सांभर झील कैसे पहुँचा जा सकता है। सांभर झील जयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर है। जयपुर से सांभर बस के जरिए आसानी से आप पहुँच सकते हैं। और गाइस भौगोलिक दृष्टि से सांभर झील 5 नदियों मेड़दा, सामोद, मंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला से पानी आता है और झील का कुल जलग्रह क्षेत्र 5700 वर्ग किलोमीटर है। तो गाइस फिलहाल जो है ट्रेन को चलते चलते 15 मिनट हो रहा है, लेकिन ये सांभर लेक जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो गाइस इस तरह से थी आज की मेरी ब्लॉग वीडियो राजस्थान की एक खूबसूरत झील सांभर लेक की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी।